तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में आपको वन कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। वन कार्ड का फुल प्रोसेस बताऊंगा, कैसे अकाउंट ओपन करना है, ए टू जेड एकदम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो अगर आपके पास ऑलरेडी वन कार्ड है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हो, आप छोड़कर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास वन कार्ड नहीं है तो इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसके लिए अप्लाई करना है, इंस्टेंट आपको वन कार्ड मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तब तो आपको कोई चार्जेस नहीं देने होते हैं। अब मान लीजिए आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है तो आप यहाँ पर वन कार्ड ले सकते हो, सिर्फ मिनिमम 2000 रुपये का एक FD क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप 2000 रुपये का FD क्रिएट कर सकते हो तो ये आप वीडियो वॉच कीजिए, सब कुछ प्रोसेस में बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट्स लूट्स वगैरह आते हैं आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए आप बता देते हैं कि कैसे इसे हम ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा देखने के लिए, वन कार्ड का, उसमें जाकर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वन कार्ड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अब गाइस, डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका फोन नंबर एंटर करना है। फोन नंबर डालने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक कर देना। अब गेट OTP पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके फोन नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालकर कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। स्टार्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा साइन इन विद जीमेल का, तो आपको साइन इन विद जीमेल पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक 4 डिजिट का पासवर्ड सेट कर लेना, कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड डालिए और उसे फिर से वही पासवर्ड डालकर कंफर्म पर क्लिक कर दीजिएगा। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, आपका लास्ट नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर डालना है, जो भी आपका पैन कार्ड में है वही सब डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है। तो ये सब डिटेल जैसे आपने फिल कर लिया, ये सब डिटेल डालने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पर डालना पड़ेगा। एड्रेस में पिन कोड डालिए, पिन कोड के बाद हाउस नंबर, कौन सा आपका हाउस नंबर है वो एंटर कर दीजिएगा, आपका एरिया का नाम एंटर कर दीजिए, लैंडमार्क, और उसे आपको कंफर्म कर देना है। ये सब सिंपल से डिटेल है, ये सब फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का नंबर डालना है। आप एक बार पैन कार्ड का नंबर डालिए, फिर उसी पैन कार्ड के नंबर को कंफर्म करना है, यानी कि दो बार आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, नेक्स्ट पेज पर आपको टिक लगा देना है। एग्री करने के बाद आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म करोगे तो आपको यहाँ पर फेचिंग लेगा क्रेडिट स्कोर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तब आपको यहाँ पर मेटल कार्ड मिल जाएगा एकदम फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। और गाइस, अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं है, जैसे कि मेरा खुद का क्रेडिट स्कोर नहीं था, तो मुझे यहाँ पर 2000 रुपये का FD क्रिएट करने का ऑप्शन आया। आप यहाँ पर इसके लिए आपको कोई भी क्रेडिट स्कोर की रिक्वायर्ड नहीं होती है, सिर्फ 2000 का FD करके ये कार्ड ले सकते हो, और वो 2000 को आप 6 मंथ के बाद फिर से ब्रेक करके अपने बैंक अकाउंट में भी ले सकते हो। तो अगर गाइज आपका लिमिट होगा तो ऊपर में वेरीफाई इनकम का ऑप्शन आ जाएगा, वहां पर एलिजिबल लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मेरा नॉट एलिजिबल है, आपका एलिजिबल हो जाएगा और इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। इनकम वेरीफाई करके आप यहाँ पर फ्री में कार्ड ले सकते हो। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर क्रिएट FD का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पर क्रिएट FD पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्रेडिट स्कोर नहीं है तो मैं यहाँ पर 2000 का FD करूंगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको नो क्रेडिट स्कोर रिक्वायर्ड है, कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं चाहिए। 110% का आपको यहाँ पर FD लिमिट मिलेगा, यानी 2000 का करोगे तो 2200 रुपये का आपको लिमिट मिल जाएगा। और इस जो आप FD क्रिएट कर रहे हो उस पर 7.15% का इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा। और एक लास्ट में बताएगा कि अगर आप 50000 का FD करते हो तो इसके लिए आपको लाइफ टाइम फ्री मेटल कार्ड मिलेगा। तो हमें 50000 का करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 2000 रुपये का ही करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट FD अमाउंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर 2000, 20000, 50000 और एक कस्टम अमाउंट का ऑप्शन आएगा। तो आपको 2000 रुपये को सिलेक्ट कर लेना है, मिनिमम आप 2000 रुपये कर सकते हो। 2000 सेलेक्ट करने के बाद आपको अप्रूव्ड लिमिट 2200 शो हो जाएगा, वो शो होने के बाद आपको कंफर्म FD अमाउंट पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पर आपका FD का डिटेल शो हो जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो स्टार्ट अगेन पे क्लिक करके फिर से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको गेट वन कार्ड पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, जिसमें गाइस आपको यहाँ पर फुल नेम शो हो जाएगा पहले से ही, जो आपका पैन कार्ड में होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर बस आपको अपना मदर एंड फादर का फर्स्ट एंड लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, जिसमें आप इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा नेशनलिटी में। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पर आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। आपका मैरिटल स्टेटस डाल दीजिए, मैरिड अनमैरिड। उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, स्टूडेंट हो या फिर जॉब करते हो, कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया। और एनुअल इनकम आपसे पूछा जाएगा, एनुअल इनकम में 0 to 5 लाख सेलेक्ट किया, आप कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हो या नहीं, तो आपको यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको परमिशन मांगा जाएगा, तो आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर आधार डिटेल को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई आधार डिटेल पर क्लिक करना और स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे में कैप्चा एक आएगा, उसी कैप्चा को देखकर सेम टू सेम आपको टेक्स्ट लिख देना है। ये लिखने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आधार नंबर के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक्ड होगा उस नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को आपको फिल करना है। और नीचे में एक क्रिएट अ पासवर्ड लिखा होगा, तो उस पर आपको 4 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट कर देना है, कोई भी 4 डिजिट का पासवर्ड डाल
दीजिए, जो आपने पहले डाला तो वो भी डाल सकते हो पिन, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आपको कंफर्म पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट पेज पर आपको दिख जाएगा आपको 2200 का क्रेडिट लिमिट मिला है और इसमें आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। 5x का आपको बेनिफिट मिलता है जो भी स्पेंड वगैरह आप करते हो, और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट है। इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको अकाउंट बनाने का प्रोसेस बता रहा हूँ, अगले वीडियो से जो भी इसके रिगार्डिंग अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ गाइस कि अगर आप ये कार्ड ले लेते हो तो जितना आपने स्पेंड किया 2000 रुपए उससे ज्यादा आप अर्निंग कर लोगे, और वो 2000 आपका कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि वो आपका FD है। जैसे आप बैंक में FD करवाते हो उसी तरह आपका सेफ है अमाउंट, आप 6 महीने के बाद कभी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना और कंटिन्यू कर देना, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको सेल्फी देने के लिए बोला जाएगा, तो टेक अ सेल्फी पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा के परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको एक सेल्फी ले लेना। सेल्फी लेने के बाद आपका जो सेल्फी होगा वहां पर शो हो जाएगा। तो अगर आपका सेल्फी ठीक है तो टिक पर क्लिक कर दीजिए, अगर मान लीजिए फिर से आपको रिटेक लेना है तो कट पर क्लिक करके फिर से रिटेक कर लीजिए। तो जैसे मैंने टिक पर क्लिक किया, और उसके बाद आपको गॉट इट पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर डालना है, तो सेम पर्सन का डालिएगा। मान लीजिए आप अपना यूज करो तो आप ही का बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है, IFSC कोड डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके बैंक में 1 रुपये भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो इंस्टेंट जैसे कि देख सकते हो मेरा बैंक में आ चुका है 1 रुपये, आपको भी यहाँ पर मिल जाएगा। 1 रुपये मिलने के बाद आपको फिर से कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर गाइस जो 2000 रुपये आप FD कर रहे हो उसका पेमेंट आपको करना पड़ेगा। तो 2000 रुपये का आपको सिंपल सा पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए आपको UPI और नेट बैंकिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल UPI है, तो मैं यहाँ पर UPI सिलेक्ट कर लेता हूँ। UPI सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज पर अकाउंट डिटेल्स हो जाएगा। रिजर्वपे का गेटवे खुलता है, यहाँ पर आपको डिटेल्स शो हो जाता है। अब यहाँ पर आपको पे यूजिंग UPI पर क्लिक कर देना है। पे यूजिंग UPI पर क्लिक करने के बाद कोई भी एक UPI ऐप सिलेक्ट कर लीजिए, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं गूगल पे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट को कंफर्म कर देना, अपना UPI पिन डालकर पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आपको वेट करना, ऑटोमेटिक बैक हो जाएगा। बैक होने के बाद नेक्स्ट पेज पर आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। तो नॉमिनी आप अभी ऐड कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो आपको लेटर पर क्लिक कर देना है, तो आप उसे बाद में भी ऐड कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लेटर पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एड्रेस कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि किस एड्रेस पर आपको कार्ड चाहिए। दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक होगा कि जो आपने पहले डॉक्यूमेंट में डाला है वही एड्रेस है, तो फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। और सेकंड वाले पे ऑप्शन आएगा कि आपका डॉक्यूमेंट एड्रेस जो है वही एड्रेस है, लेकिन अभी आप किसी और एड्रेस पर रह रहे हो और आप 90 दिन के अंदर ऐप में उसे अपडेट भी कर सकते हो। तो आप इसे क्लिक करके एड्रेस को चेंज भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा, आपका कार्ड जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा। आपका यहाँ पर कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिवेट इन ऐप का ऑप्शन आएगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका सक्सेसफुली वर्चुअल कार्ड जो है एक्टिवेटेड हो जाता है। वर्चुअल कार्ड एक्टिवेटेड होने के बाद आपको यहाँ पर स्लाइड करके गेट स्टार्टेड ऑन ओवरले अदर ऐप का ऑप्शन आएगा, तो उस पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर सेटिंग ओपन आएगा, सेटिंग में आपको यहाँ पर वन कार्ड को परमिशन दे देना है और बैक कर लेना है। तो आपका यहाँ पर सक्सेसफुली ऐप में लॉग इन हो जाएगा। ऐप में लॉग इन होने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर में कार्ड डिटेल्स हो जाएंगे, यहाँ से आप अपना कार्ड डिटेल निकाल सकते हो। और इसके काफी सारे बेनिफिट है। अभी आप अकाउंट खुलवाते हो तो अभी एक ऑफर चल रहा है जिसमें आपको ऑटो पे सेट करने के लिए 350 रुपीज का कैशबैक मिल रहा है। 100 रुपए इंस्टेंट मिलते हैं और 250 रुपए बाकी जो होता है जब ऑटो पे हो जाता है, डेबिट हो जाता है ऑटोमेटिक, तब वो 250 रुपए मिलते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये ऑफर के बारे में आप YouTube पे सर्च कर सकते हो कैसे करना है। वन कार्ड ऑटो पे ऑफर को आप चेक कर लीजिएगा, तो इससे आपको 350 रुपए का बेनिफिट हो जाएगा। इसमें गाइज और भी कई सारे ऑफर चल रहे हैं, शॉपिंग पे है और भी बहुत सारे ऑफर है, आपको बहुत अच्छा खासा बेनिफिट होगा। आप लोग जरूर इस कार्ड को ले सकते हो बेझिझक, कोई भी टेंशन नहीं है। और इस कार्ड को आप क्रेड ऐप में भी यूज कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड ही है तो आराम से उसमें भी यूज कर सकते हो, उससे भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। तो 2000 रुपए आपका खर्च हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर काफी सारे से ज्यादा बेनिफिट है, 2000 रुपए से ज्यादा ही आप यहाँ पर अर्निंग कर लोगे। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप मुझे कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मस्त शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर सके। बिना क्रेडिट स्कोर के आजकल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन ये ऐप आपको यहाँ पर फ्री में दे रहा है सिर्फ 2000 रुपए का FD करने पर, तो आप यहाँ पर ले सकते हो। चलिए गाइस, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ मस्त शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।